सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो हमारे कर्म पर आधारित है। हम जैसा काम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमें उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो हमें उसका बुरा परिणाम मिलेगा। अच्छा काम करने से बाद में हमें आनंद मिलेगा, खुशी होगी, लेकिन बुरा काम करने से हमें पछतावा रहेगा। तो आइए एक ऐसी कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी, यह आपके पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय है। ये एक कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं। जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। बरसात का मौसम आने वाला था। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था। गौरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए जरूरी सामान जमा कर रहे थे। गौरैया किसे कहते हैं? जिसको हम इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं उसे हिंदी में गौरैया बोलते हैं। चींटियां भला पीछे कैसे रहती? वे भी कतार बनाए घूमती और खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी रहती। सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर ले। मनमौजी टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। अब टिड्डा किसे कहते हैं? जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रासहॉपर बोलते हैं उसे हिंदी में टिड्डा कहते हैं। वो निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता और गीत गाया करता। यही नहीं, काम करते जानवरों की हंसी भी उड़ाता। एक दिन टिड्डा बया से बोला, बया बया, क्यों करती तू इतना काम? घर बनने से होगा क्या तेरा नाम? आजा मिलकर खेले खेल, नाचे झूमे करके मेल। बया ने टिड्डे की तरफ देखा तक नहीं, वह अपने काम में लगी रही। एक दिन टिड्डा चींटियों के पास गया, बोला, नन्ही नन्ही चींटी प्यारी, उठा रही क्यों बोझा भारी? छोड़ो भी यह खाना लाना, मुत्संग मिलकर गाओ गाना। चींटियां बड़ा सा बताशा धकेलकर बिल में ले जा रही थी। वे चुप रही और अपना काम करती रही। टिड्डा गिलहरी के पास गया, उससे कहने लगा, गुलगुल गिलहरी, हो गई दोपहरी, छोड़ घर बनाना, आजा गाले गाना। गिलहरी कुट कुट करती चली गई। उसने टिड्डे की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। थोड़े दिनों बाद वर्षा शुरू हो गई, मूसलाधार पानी वर्षा। सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में जा बैठे। टिड्डा भला कहाँ जाता? उसका ना कोई घर था ना ठिकाना। वो पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठिठुरने लगा। खाने को भी कुछ न था। वो भोजन की तलाश में भटकने लगा। उसे कुछ न मिला। चारों तरफ पानी ही पानी था। वो रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा और कहने लगा, प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूखा मर जाऊंगा, थोड़ी दया तो कर दो। चींटियों ने उत्तर दिया, मेहनत जब तुमको करनी थी तब तुम गाना गाते, हम पर बैठे हंसते रहते, अब क्यों हो पछताते? टिड्डा बड़ा शर्मिंदा था, वह पछता रहा था। बोला, अपनी गलती मान रहा हूँ, दर दर भूखा भटक रहा हूँ, सबकी मैंने हंसी उड़ाई, अब मेरी जापर बन आई। चींटियां बोली, जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़े गए है कहकर, पूरी गर्मी गाना गाया, नाचो अब जी भरकर। यह कहकर चींटियां अपने बिल का दरवाजा बंद करने लगी। तभी एक चींटी बोली, रुको, टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है, यह मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चींटियों ने टिड्डे को खाना और रहने की जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी काम अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए तथा कभी आलस नहीं करनी चाहिए और अपना काम समय रहते कर लेना चाहिए। इस कहानी के शब्दार्थ, हलचल, हिलना डोलना, हलचल का मतलब है हिलना डोलना। कतार, लाइन या पंक्ति। जुटे रहना,
लगे रहना। मनमौजी, अपने मन की करने वाला, जो अपनी मन की करता है उसे मनमौजी कहते हैं। निठल्ला, बेकार। मूसलाधार, मोटी धार वाली। ठिकाना, रहने की जगह। ठिठुरना, ठंड से सिकुड़ना। भटकना, इधर उधर घूमना। जा पर बनाना, जान खतरे में होना। धन्यवाद।